दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली मॉन्स्टर ऑर्डर इविल नन हॉरर स्टोरी का पार्ट 1-2 अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लें, वरना ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा कि रॉड इविल नन के जादू से आजाद होने के चक्कर में और भी शैतान बनने लगता है। तभी यहाँ इविल नन आ जाती है और ये रॉड पे बिजली से हमला कर देती है। और तभी शॉन और बाबा यहाँ आ जाते हैं और बाबा रॉड को पिंजरे में बंद कर देते हैं, क्योंकि रॉड अभी भी इविल नन के कब्जे में ही होता है। और ये लोग गुल्ली बुल्ली को ढूंढने जाने लगते हैं। तभी यहाँ पे इविल नन आ जाती है और ये तालाब में कूद जाती है। ये दोनों इसको देख लेते हैं। ये भी आके इस तालाब में कूद जाते हैं। ये लोग सीधा इविल नन के अड्डे पे आ जाते हैं, मगर यहाँ पे इविल नन बाबा को कैद कर देती है। चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। बाबा शॉन से कहते हैं कि शॉन, मैं इस पिंजरे को तोड़ नहीं सकता हूँ, तुम मेरे घर जाओ और वहाँ पे मेरी जादुई छड़ी होगी, तुम्हें उससे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लाना होगा। शॉन ये सुनते ही यहाँ से छड़ी लेने जाने लगा। इविल नन बिजली वाली इविल नन से कहती है कि तुम जाओ, अब वो शॉन तुम्हारा शिकार है। और इविल नन इसके पीछे जाने लगी। इसने तो शॉन पे बिजली से हमला कर दिया, मगर शॉन तो बाल बाल बच गया और ये तालाब में कूद गया। इविल नन इससे कहती कि तुम्हारा निशाना तो बहुत बेकार है, तुम एक छोटे से बच्चे को भी नहीं मार पाई। ये कहती है कि वो बस थोड़ा सा फुर्तीला निकला, वरना तो शॉन मारा ही जाता। बाबा कहते कि मान भी लो कि ये तुम्हारे निशाने की ही गलती थी, भला बहाने बनाने की भी क्या जरूरत है। दरअसल बाबा इसको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसने तो बाबा पे ही हमला कर दिया, मगर ये जादुई पिंजरा टूटा ही नहीं। इविल नन कहती है कि बाबा तुम्हारी चाल बहुत अच्छी थी, मगर ये पिंजरा बहुत ज्यादा मजबूत है, ऐसे छोटे मोटे झटके इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, और तुम जाके शॉन को पकड़ो और हाँ उसे जिंदा मत छोड़ना। और अब ये शॉन को मारने के लिए जाने लगी। शॉन तालाब के बाहर आ गया और यहाँ से भागने लगा। मगर यहाँ पे बादल है ही नहीं और इसको पैदल जाने में बहुत समय लगेगा, मगर बादल को तो सिर्फ बाबा बुला सकते हैं, इसको दौड़ के ही घर तक जाना होगा। इविल नन भी यहाँ आ गई और शॉन यहाँ पे छिप गया। इविल नन शॉन को ढूंढने जाने लगी और शॉन पेड़ों के बीच से जाने लगा ताकि इविल नन इसे देख ना पाए। इविल नन ने रॉड को पिंजरे में देख लिया। इसने तो रॉड को आजाद कर दिया। इविल नन कहती है कि हमें शॉन को मारना है, रॉड जल्दी मेरे साथ चलो। इविल नन के ही कब्जे में होने की वजह से रॉड ने इसकी बात मान ली और ये भी इसके साथ जाने लगा। बुल्ले को अब होश आने लगा है, ये बाबा को कैद देख के बहुत हैरान है। बुल्ले कहता है कि गुल्ली, ये बाबा कब आया यहाँ और इन्हें किसने कैद कर दिया, आखिर इतनी हिम्मत किसमें है। गुल्ली कहता है कि बुल्ली तुम्हें वहम हुआ होगा, बाबा ने सबकी छुट्टी कर दी होगी। बुल्ली कहता है कि पहले तुम अपनी आंखें तो खोलो, और कितना सोने वाले हो तुम। और अब गुल्ली ये नजारा देख के बहुत डर चुका है। बुल्ली कहता है कि बाबा आप कैसे फंस गए यहाँ पे। बाबा कहते हैं कि डरो मत गुल्ली बुल्ली, शॉन मेरी जादुई छड़ी लेने गया है, उसके आते ही मैं इस इविल नन की छुट्टी कर दूंगा, तुम लोग परेशान मत होना। इविल नन इनकी आवाज सुन के घर से बाहर आ गई। और ये गुल्ली बुल्ली के पास आके खड़ी हो गई। इसने तो गुल्ली को मार दिया। बाबा कहते कि एक बार पिंजरे से आ जाने दो मुझे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा इविल नन। इविल नन कहते कि मगर तुम उस पिंजरे से कभी निकल ही नहीं पाओगे, ये पिंजरा ही तुम्हें मार डालेगा। शॉन अब बाबा के घर तक आ चुका है और ये छड़ी लेने जाने लगा और बाबा की छड़ी भी इसे मिल गई। ये छड़ी लेके बाहर आ गया। अरे ये तो इविल नन और रॉड यहाँ आ गए हैं। और शॉन बहुत ज्यादा घबरा गया। इविल नन कहते हैं कि शॉन वो छड़ी मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शॉन कहता है कि अगर मैंने तुम्हें छड़ी दे दी फिर भी तो तुम मुझे मार ही दोगी। इविल नन कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो, खैर लगता है कि अब मुझे तुम्हें मारना ही होगा। इसने शॉन पे हमला कर दिया, मगर शॉन को तो कुछ भी नहीं हुआ। इविल नन को समझ आ गया कि बाबा की जादुई छड़ी की वजह से शॉन को कुछ नहीं हुआ, और अगर इसने शॉन से ये छड़ी ले ली तो ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। शॉन कहता है कि अब मेरी बारी है इविल नन, देखो मैं कैसे जादू करता हूँ।
शॉन ने आज से पहले कभी भी बाबा की छड़ी इस्तेमाल नहीं की है, मगर ये अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। ये शॉन जादू करते करते तो डांस करने लगा। शॉन के जादू से तो कुछ भी नहीं हुआ और इविल नन भी शॉन का जादू देख के हंसने लगी। अरे ये क्या हो गया, ये बड़ा सा पत्थर कहाँ से आया? लगता है कि ये शॉन का जादू है। और अब शॉन बाबा को छड़ी देने के लिए जाने लगा। और अब शॉन जादुई छड़ी लेके इविल नन के अड्डे पे आ गया है और इसने बाबा की ओर दौड़ लगा दिया। बाबा शॉन को देख के कहते हैं कि शॉन जल्दी छड़ी को पिंजरे की तरफ करो, इविल नन उस घर में है, वो कभी भी आ सकती है। शॉन ऐसा ही करता है। अरे पिंजरा तो गायब हो गया और आवाज सुन के इविल नन भी बाहर आने लगी। और अब बाबा ने अपनी छड़ी ले ली है। बाबा ने तो इविल नन पे हमला कर दिया और इविल नन की हालत खराब हो गई है। लगता है कि बाबा अभी भी गुस्से में है। अरे बाबा ने तो इविल नन पे बिजली की बारिश कर दी और इविल नन यहीं पे राख में बदल गई। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।